दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सबसे पहले बड़ी खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। आज बात राजस्थान में चल रहे धर्म परिवर्तन के गोरख धंधे की करेंगे। धर्म परिवर्तन कराने वालों का नंगा नाच या यूं कहें खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध साजिश षड्यंत्र लगातार चल रहा है और इस पर लेकर के सभी चुप हैं। और थोड़ी सी बात सच क्या कह दो, लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब अगर मैं आपसे सीधे तौर पर ये कह दूं, जिन लोगों की आप कथा सुनते हैं, सनातन धर्म का सबसे ज्यादा किसी पर दायित्व तो है, किसी के कंधों पर दायित्व तो है, इन्हीं लोगों का है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कि कथा सुनाने से कहीं ज्यादा है, वो ये है कि धर्म परिवर्तनों को रोका जाए और जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है उनकी घर वापसी कराई जाए। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो बताइए, हिंदू देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सुरक्षा नहीं है तो सरकार सुरक्षा देगी। लेकिन फिर क्या काम है कि आप सिर्फ कथा सुना रहे हैं, क्योंकि राजनेता तो घर वापसी कराने जाएंगे नहीं। और जो आपके में से ही कुछ संत बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग घर वापसी कराने चले जाते हैं, फिर उनकी लोकप्रियता बढ़ती है तो फिर आप लोग उनके खिलाफ उतर आते हैं मैदान में। कहते हैं पाखंडी हैं ढोंगी। अगर कोई घर वापसी कराता है इस्कॉन जैसी संस्था, तो फिर आप उनको भी गरियाने लग जाते हैं। कहते हैं भारत का पैसा विदेश भेज रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये जो धर्म परिवर्तन का खेल पूरे भारत में चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी विफलता अगर किसी की है तो वो है हिंदू संतों की। हिंदू संत सिर्फ कथा सुनाते हैं, कथा वाचते हैं, दान में पैसे लेते हैं और उसके बाद अपना काम बनता और भाड़ में जाए तो ये सारे बाबा कहाँ गायब हो जाते हैं। और ये ड्रामा सदियों से चलता आ रहा है, फिर चाहे वह जब औरंगजेब ने ऐलान करा था हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का, या फिर अब जब खुलेआम ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। ना तब साधुओं संतों का समूह युद्ध करने आया था और ना ही अब युद्ध करने आ रहा है, क्योंकि युद्ध करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नागा साधुओं की नहीं है, जिम्मेदारी तो आपकी है। क्योंकि हिंदू आपको लाखों रुपए दान देता है, आपके पास कथा सुनने आता है, तो कम से कम आप हिंदुओं को जागरूक करिए, घर वापसी कराइए, धर्म परिवर्तन रोकिए। और जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन ये कहते फिर रहे हों कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हमें हिंदू संगठनों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक बार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ युवाओं ने धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को जमकर पीटा, थप्पड़ों और मुक्कों से गाल बजा के रख दिए हैं। जानते हैं पूरी घटना। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। दरअसल दोस्तों, ये मामला सामने आया है भरतपुर का, जहां पर एक तरह से अड्डा बना लिया गया है धर्म परिवर्तन का। और इसमें जब पुलिस भी नजरअंदाज कर रही थी इस धर्म परिवर्तन को, साधु संतों को तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं है और नेता तो अपने मौज में ही है, लेकिन जब हिंदू संगठनों को यह समझ में आया कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो ऐसा बवाल करा कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। और यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ है कि 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। खबर है 6 जुलाई की। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले में धर्म परिवर्तन का जो मामला था वो कंटिन्यूस चल रहा था और काफी समय से यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले थम नहीं रहे हैं। और फिर से एक बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया गया और इससे गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले तो सोचा कि कानून का सहारा लिया जाए, और कानून से वो दरखास्त भी कर रहे थे कि इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन कानून सुनता ही कहाँ है। और फिर जब गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया तो जमकर मारपीट और बवाल हुआ। सुनने में आया कि हिंदू कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को पीटा और थप्पड़ मुक्कों से उनकी हालत बिगाड़ कर रख दी। और ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को भी काबू करने में पसीने छूट गए और यहाँ पर 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। न्यूज 18 राजस्थान की माने तो शुक्रवार को भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में संगम विहार में फाटक नंबर 39 पर रविंद्र नाम के एक व्यक्ति के घर में धर्म परिवर्तन का पूरा खेल रचा जा रहा था। ये काफी बड़ी संख्या में था और यहाँ पर बाकायदा 40 लोगों को धर्मांतरित कराए जाने का प्रोग्राम बन रहा था। लेकिन इसकी सूचना जैसे ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, तुरंत पहुंच गए वहां पर और पहले तो प्यार से समझाया और जब नहीं माने
तो झड़प हुई, फिर मारपीट हुई और फिर इनको पीटा भी। फिलहाल जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे और जो करवा रहे थे सभी को हिरासत में ले लिया गया। काफी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 45 रिंको रोड पे, इस पे पुलिस वहां पे गई थी और कुछ लोगों को वहां से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही, पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो रविंद्र नाम का शख्स है इसने चर्च फाउंडेशन बना रखा है और काफी समय से धर्म परिवर्तन कराता रहा है। इसके तार सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। इसकी हरकतें तो देखिए, किसने हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम कई बार अपमान किया है और तो और इसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नाली में बहाकर अपमान किया था। इसके कारण गांव के लोगों ने उसे निकाल दिया था। तब से वह भरतपुर में रहने लगा और वहां से धर्म परिवर्तन का पूरा एजेंडा चला रहा था और यह 8 साल से चल रहा है। दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 साल में इसने कितने धर्म परिवर्तन कराए होंगे। फिलहाल पुलिस तो ये कह रही है कि अब जांच होगी और जांच में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 11 फरवरी को भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब पता चला था कि यहाँ होटल सुनार हवेली में करीब 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे और सबको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में पता चला था कि किस तरीके से पैसों का लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इसका भी खुलासा विश्व हिंदू परिषद ने ही किया था। बाकी पुलिस कहाँ रहती है ये किसी को नहीं पता। हमें जैसे मालूम पड़ा था कि इशू शिक्षा देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं, हमने इनसे मालूम किया, किसी ने कहा पैसे लेकर के हमको बुलाया गया है। जब हमने इनको एक सरगना को पकड़ा, उस सरगने उसने कहा कि नहीं, हमको चंडीगढ़ से फंडिंग आती है और हम तो आइंदा से ये काम नहीं करेंगे। बात ये नहीं है कि सिर्फ ईसाई मिशनरी ही हिंदुओं को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं, बल्कि चौतरफा धर्म परिवर्तन के एजेंडे चलाए जा रहे हैं। मुस्लिम अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं और तो और ईसाई अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं और तो और कुछ बहाउल्ला नाम के धर्म भी आ गए हैं जिनका न सिर का पता है न पैर का, और सुनने में आया कि वो भी लोगों को पैसे और विदेशी ट्रिप का लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस नए नवेले धर्म में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसमें तो पूरी तरह से पार्टियों की तरह ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं जिनका काम है हिंदुओं को इस बहाई धर्म में लाना और हर एक शख्स पर उन्हें पैसे मिलते हैं। वाकई में ये सब गजब रेलम पेल चुतिया पे चल रहे हैं पूरे देश में और संत सोए हैं, पुलिस सोई है, नेता सोए हैं, सब सोए हैं और तो और आप में से तमाम हिंदू भी सोए हैं। जाग जाइए, अभी समय नहीं तो कुछ दिन बाद आप हनुमान चालीसा नहीं, आरती नहीं, बल्कि या तो हालेलुया सुनेंगे या तो अजान सुनेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।